नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर इंडिया टीम की तरफ से अपने चैनल पर आप सभी लोग का हम स्वागत करते हैं। देखिए, सुपरटेट 2019 के लिए हमारी टीम जो है 25 क्वेश्चंस की सीरीज जो है तैयार कर रही है, जिसको आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर वैकेंसी 68,500 फिलअप की गई थी, उसका जो सिलेबस और पेपर आया था उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ ए का पेपर है। देखिए, वो पेपर जो हुआ था पूर्णतः लिखित परीक्षा थी, यानी कि रिटेन एग्ज़ाम थे। आपको एक ये तो पेपर आपको मिला ही मिला था, इसके अलावा एक जो है बुकलेट दी गई थी, उस बुकलेट में क्वेश्चंस दिए गए थे और कुछ खाली स्थान छोड़े गए थे, तो उसमें आपको उस प्रश्न का आंसर आपको लिखना था। ठीक है, कोई भी जैसे ब्लैंक पूरी कॉपी पहले मिलती थी, तो ब्लैंक कॉपी अब नहीं दी जाती, अब डायरेक्टली प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में छपे आते हैं और उसमें जो है जगह दी जाती रहती है, निर्धारित जगह में ही आपको उत्तर देना पड़ता है। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको आपको ड्रॉप करना पड़ता है, जो प्रश्न आता है उसको अच्छे से करना है। लेकिन सुपरटेट 2019 में आप को जो एग्ज़ाम होगा आपका वो टोटली OMR बेस्ड होगा, इतना तो पूर्णतः ये कंफर्म हो गया है, टोटली OMR बेस्ड होगा। ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये से जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए टोटल 3 आवर की टाइमिंग 10 to 1, यानी कि 3 आवर की टाइमिंग डिसाइड की गई थी। लेकिन इस बार जो है OMR बेस्ड एग्ज़ाम रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो हो सकता है इस टाइमिंग को 2.5 आवर कर दिया जाए या तो 2 आवर कर दिया जाए। देखिए, यही चेंजेज होंगे, इससे ज़्यादा चेंजेज नहीं होंगे। अब सिलेबस में देखते हैं, सिलेबस में लगभग वही चीज़ें रहेंगी, बस 10% जो है डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी तो कुछ चीज़ें निकाली जाएंगी। अब क्या होगा, कैसे होगा, जो चीज़ें कन्फर्म है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लास्ट ईयर का पेपर, इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, किस नेचर के प्रश्न पूछे गए थे, कहाँ से प्रश्न उठाए गए थे। तो अपनी प्रिपरेशन जो है उसी वे में करनी होगी, उसी डायरेक्शन में करनी होगी, नहीं तो चीज़ें इतनी ढेर सारी कि आप पढ़ते पढ़ते आपका पूरा टाइम ओवर हो जाएगा। पता चलेगा कि जब पेपर मिलेगा तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। पूरे डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में स्टडी करनी, इसलिए हम इसे वीडियो बना रहे हैं खासकर आपके लिए कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, नेचर क्या रहेगा। तो चलिए, बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों देखिए, ये लास्ट ईयर का पेपर था, ये पूरे आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट किए गए थे वो हिंदी लैंग्वेज से स्टार्ट किए गए थे, तो यानी कि अपठित गद्यांश दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपका सुपरटेट 2019 का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे भी एक छोटा सा आपका पैराग्राफ आपको मिलेगा, अपठित गद्यांश मिलेगा, उससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यूपीटेट 2018 में पूछा गया था। ठीक, इसी तरह पद्यांश है, यानी कि गद्यांश हो गया, तो पद्यांश से भी रिलेटेड जो एक प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड कोई आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, टोटल हिंदी में जो चीजें आप यूपीटेट 2018 में स्टडी किए हैं, वही आपको सुपरटेट 2019 में ही सिर्फ आपको रिवाइज करनी है, पढ़ना नहीं है। तो समास हो गया, एक शब्द हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, विलोम शब्द हो गया, कारक हो गए, वाक्य हो गए, वाच्य जो पूछा गया, मतलब जो साधारण वाक्य और जो साधारण वाक्य जो होते हैं उसको यहां पर पूछा गया है। इसके अलावा अलंकार है, सकर्मक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये सभी देखिए डिसाइड हो जा रहे हैं, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न यहां पे पूछा गया है। रस, ठीक, उपसर्ग प्रत्यय, एक शब्द उपसर्ग प्रत्यय यहां पर भी है, तद्भव तत्सम, इसके बाद वाच्य, जो वाच्य इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द फिर आया है यहां पे, उपसर्ग प्रत्यय। ये टोटल 18-19 यानी संज्ञा समास, यानी कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस हिंदी से पूछे गए हैं 150 प्रश्न में से। तो इस बार भी जो है 20 प्रश्न जो है आपको हिंदी से देखने को मिल सकते हैं। इतनी चीज़ें आप यूपीटेट 2018 के लिए स्टडी की ही होंगी, बस आपको रिवाइज करना है। चलिए इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में भी देखिए ऐसे ही है, आपका एक पैसेज दिया हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंजक्शन पूछा गया है, इसके अलावा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछे गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीसी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट
स्पीच है यानी नरेशन आपका हो गया यहाँ पर। अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल का फिलअप करने के लिए आपको यूपीटेट 2018 में ही में भी पूछा गया था। इसके अलावा देखिए कॉम्प्रिहेंसन दिया गया है और पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंसन पैसेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मैस्कुलिन फेमिनिन आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने को कुछ फिलअप प्रीपोजिशन या फिर कोई चीज़ें आपको ब्लैंक दे दी जाएगी उसको वहाँ पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसके अलावा वॉयस हो गए यानी कि एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। इसके अलावा सुटेबल प्रीफिक्स यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स जो उपसर्ग प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स भी आपको इंग्लिश में स्टडी करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए टोटल 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछे गए, इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा 10 क्वेश्चन है, हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए यानी हिंदी का वेटेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इतनी टॉपिक जो है इंग्लिश में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आते हैं संस्कृत का, संस्कृत के बाद में डिस्कस करते हैं। संस्कृत में वही चीज़ें हैं, प्रत्यय है, अर्थ है। संस्कृत के इसलिए बाद में डिस्कस करेंगे कि संस्कृत को हटाया भी जा सकता है, इसको एज ए ऑप्शनल किया जा सकता है, तो इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। आगे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है साइंस। तो संस्कृत के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, संस्कृत के हमको लग रहा है सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 है, संस्कृत के 10 है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टार्ट हो जाता है साइंस। साइंस में जैसे आपके विद्युत ऊर्जा हो गई, ठीक है, ओजोन परत किन कीड़ों को अवशोषित करती है, ठीक है, पता ही सबको कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है। इसके बाद कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा, कैसा रिएक्शन ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा उस विटामिन का क्या नाम है जिसकी आहार की कमी स्कर्वी रोग होता है। देखिए ऐसे ही प्रश्न नॉर्मली पूछे जाएंगे, तो डीपली आपको स्टडी नहीं करनी है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको तो डायरेक्ट उसको तो अच्छे से आपको पढ़ना है कि उससे प्रश्न आपको गलत नहीं है। जैसे नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है। इसके अलावा जो ब्लड आता है, ब्लड से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसको आपको स्टडी करनी है यानी हार्ट यहाँ पे पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है जीव की संरचना परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन साइंस के होंगे, अब 10 क्वेश्चन आपके मैथ के दिखेंगे। तो मैथ में वही चीज़ें जो आप यूपीटेट 2018 के लिए स्टडी किए हैं, जैसे गुणनखंड हो गया, कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है, इसके अलावा कोई वैल्यू दे दिया उसको पुटअप करके आपको निकालना होगा, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, 10 भुजा है, नियमित बहुभुज बाह्यकोण, ये सब आपको यूपीटेट में भी प्रश्न पूछा गया। स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर क्या है, चतुर्भुज का कोण जो समान है चौथा कोण दिया है तो समान कोणों की माप आपको निकालना है, ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड सम चतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा कोई मान दे दिया हुआ उसको फिलअप करके निकालना है, धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए रीजनिंग से प्रश्न है, ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप ये ऐसे प्रश्न जो है आपको यूपीटेट 2018 में भी देखे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों बिक्री मूल्य के लाभ हानि पर सेम टू सेम आपका जो है यूपीटेट 2018 में यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं, और ये मजदूरी वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है माध्यिका हो गई यानी मीन मीडियन मोड, आपको तीनों अच्छे से स्टडी करनी है, मान दे देगा उसको निकालना है, साधारण व्यास चक्रवृद्धि व्यास से रिलेटेड प्रश्न आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे वृत्त पूछा हुआ यानी कि आपका मेंसुरेशन भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। इसके अलावा देखिए टोटल 70 यहाँ पे यानी कि मैथ खत्म हो गया, मैथ से भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछे गए हैं। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी डायरेक्शन में हमको स्टडी करनी है, ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करनी है, नॉर्मल स्टडी करनी है अगर आपको सुपरटेट 2019 में अच्छे मार्क्स गेन करने, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, ज्यादा चीजें अगर आप स्टडी करेंगे और बहुत ज्यादा चीजें तो आपको समय कम पड़ेगा और उतने प्रश्न यहां से बनेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा टारगेट 120 मार्क्स प्लस गेन करने का है, तो इसी तरीके के प्रश्न हमको आपको तैयार करवाएंगे इस वीडियो में। आगे जो वीडियो जारी की जाएंगे इसी तरीके के प्रश्न आपको रहेंगे उसमें, ठीक है, ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, नहीं तो गहराई में आप जाएंगे तो बहुत गहराई में उतरते आप चले जाएंगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट पे अगर आते हैं जीएस पे, देखिए कॉन्टिनेंट से प्रश्न आ गया, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशी घास के मैदान का क्या नाम है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड प्रश्न हो गया। देखिए उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम लिखिए, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पे स्थित, ड्राकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो जीएस में आपको कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी, उसके लिए हमने पूरा जो है प्रश्न आपको करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन बनता है, इस वजह से हम जो है हमारी टीम जो है 2500 प्रश्नों को सीरीज के तैयार कर रही है, उसको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जैसे पूछा गया कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, कांडला बंदरगाह है, ट्रांकेसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में, सॉरी
दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको प्रश्न बहुत अच्छे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। शारदा अधिनियम किससे के रिलेटेड है, जो छोटे बच्चियों को शादी से रिलेटेड था वो शारदा एक्ट आया था, ठीक है। इसके अलावा भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, भारतीय संविधान समिति सूची कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, पार्कहर्स्ट है। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिलालेख शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका जो है 1854 में जो आपका आया था उट्स घोषणा पत्र वो है। तो इसी तरीके का प्रश्न जो है आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी का तीसरा नाम यानी टेक्नोलॉजी, आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बीएड या बीटीसी में आपने स्टडी किया होगा तो वहाँ से ये प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो ये देखिए टीचिंग स्किल्स से टोटल यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी के ये प्रश्न जो है, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो यहाँ अकबरनामा किसने, अब देखिए जीके के प्रश्न आपके आ गए। जल्लीकट्टू यानी तमिलनाडु में है, भारत का सिराज जौनपुर है, उत्तर प्रदेश का यानी यूपी, देखिए यूपी स्पेशल भी आपको स्टडी करनी पड़ी, यूपी स्पेशल भी हम प्रश्न आपको करवा देंगे। पर्यावरण दिवस पेपर गोल्ड यानी एचडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। लाल ग्रह है, ये लाल ग्रह आपका जो मंगल ग्रह है उसी को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे आपका जो लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री, अब देखिए यहाँ से करंट प्रश्न है, पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री जो थी आपकी ये निर्मला सीतारमन जी है, जो अभी हाल ही में मतलब बनाई गई थी लास्ट ईयर। इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया, मनमोहन सिंह जी को दिया गया था, 2017 का पूछा गया, 2019 में चेंज हो गए हैं। तो जो चेंज हो गए हैं वो हम आपको यहाँ पे करंट अफेयर के वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे। प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। नौसेना में पहली महिला पायलट कौन, देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको पढ़ना, यहाँ पे नौसेना पूछा गया है, नौसेना पूछा गया यानी शुभांगी स्वरूप पहली महिला पायलट है। अगर आपसे पूछा जाता कि वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है तो आपका आंसर परिवर्तित हो जाएगा यानी कि अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा। 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, आपका इंदौर था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अब देखिए पुराना है, अभी हाल ही में 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी बांट दिया गया है। 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए थे जो कि ओपी रावत जी थे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र नौवां एंटोनियो गुतेरस हैं। व्यास सम्मान किसे दिया गया, शौचालय दिवस, देखिए शौचालय दिवस पूछा गया है, ठीक है। ये अभी हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया, 19 नवंबर को आप याद पढ़े होंगे कहीं पे सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप देखे होंगे कि 19 नवंबर क्या मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मेल डे भी मनाया जाता है, ओके। तो ये तीन दिवस आपको जो है विश्व शौचालय 19 नवंबर से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है अगस्त 2 फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष प्रसून जोशी वगैरह जो चुने गए थे सर्वाधिक, ये देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का पूरा पूछा गया है। डूरंड कप वगैरह किस खेल से जीके, थोड़ा सा कांडला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था। इसलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अपनी कुछ पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में नोबेल प्राइज ने दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न आपको जो है करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर पर आप बेफिक्र रहिए, करंट अफेयर से बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जनरल हिस्ट्री से भी प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जो पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जिसकी पूछे जाने की संभावना लगभग 100% है उसी प्रश्न को हम शामिल करेंगे, उसी को आपको बस लर्न करते हुए चलना है। सबसे बेस्ट अच्छा तरीका है कि आप उसको नोट करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिए। इसके अलावा आप देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग आपका जो है रीजनिंग आप थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर लेंगे तो कॉमन सेंस पे और कर लेंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ कंप्यूटर से भी कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। इसके अलावा कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू वगैरह, वेबसाइट का मेन पेज, होम पेज है, या जनरल कंप्यूटर की नॉलेज होती है वो आपको स्टडी करने पड़े। जैसे देखिए ईमेल से जुड़ी फाइल, जो ईमेल प्राप्त करने यानी सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है। चुनाव अपने मताधिकार का प्रयोग किस करना, किस मूल्य से संबंधित है मताधिकार है। इसके अलावा शिक्षक छात्र विषय चुनने मदद को कौन सी भूमिका, यानी आपकी कॉमन सेंस पे जो है कौन सा चीज़ें आपकी वहाँ पे सुटेबल होती है। आंसर आपको ऑप्शन मिलेगा, जो सबसे सुटेबल होगी वही आपको आंसर क्लिक करना है। ये अब चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, ये देखिए संविधान से कुछ प्रश्न भी है आपके यहाँ पे सामने। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। टोटल देखिए 150 प्रश्न इसी तरीके के पूछे गए हैं, नॉर्मली प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा आपको डीपली स्टडी करनी नहीं है और ना ही ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। नॉर्मल जो आप स्टडी करते हैं उसी को आप करते चलिए। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम आपको 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें से आपको कुछ नहीं तो 50% क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टोटल 150 प्रश्न हमने डिस्कस कर दिया। देखिए 150 यहाँ पे दिख रहा है, टोटल 150 प्रश्न हमने आप पूरा आपको एक वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर का ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।